नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश शर्मा, DHMS। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, हाजमा ठीक नहीं रहता, गैस बनती है, इलाज बताएं। तो हाजमा ठीक ना रहना, गैस बनना, एसिडिटी की शिकायत हो जाना, भूख ना लगना या खाया पिया हजम ना होना, बदहजमी हो जाना, पेट में अफारा आ जाना, पेट में भारीपन बने रहना, मेनली गलत खान पान की वजह से होता है। ज़्यादा फास्ट फूड, तली फली चीज़ें, बाहर का खाना ज़्यादा खाना या बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने के कारण, भाग दौड़ भरी व्यस्त ज़िंदगी की वजह से या कब्ज रहने के कारण। मेनली आंतों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर हाजमा ठीक नहीं रहता, भूख नहीं लगती और गैस बनने लगती है, पेट में भारीपन रहता है। तो इसके लिए आज मैं आपको बहुत ही बेहतर होम्योपैथिक दवा बता रहा हूँ। दवा का नाम है डॉक्टर स्टमक प्लस BC25। ये टैक्टिस इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूव फॉर्मूलेशन है और दवा कॉम्बो पैक में रहती है। इसमें दो तरह का दवा होता है, पीने के लिए डॉक्टर स्टमक ड्रॉप्स, जिसकी 20-20 बूंद दवा की एक कप पानी के अंदर मिलाकर दिन में 4 बार पीना होता है, और इसके साथ बायोकेमिक नंबर 25 की टैबलेट होती है, जो 4-4 गोली दिन में 3 बार चूसनी होती है। दवा को बीमारी के आधार पर कम से कम 2-3 महीना जरूर लेना चाहिए। दवा के साथ खुशबू वाली चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, इलायची, सौंफ, हींग, कॉफ़ी और बहुत ज़्यादा तेज मिर्च मसाला, तली भली चीज़ें ना लें। अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट www.tactis.in या कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं, 8285742000। और आप लोगों की सुविधा के लिए कंपनी का लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट पे भी दे रहा हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।